पहले हमने आपको दिखाया था कि उधमपुर शहर के बीचों बीच वार्ड नंबर 17 में जो लिंक रोड है उसकी क्या हालत है। लाइफलाइन माना जाता है ये लिंक रोड, लेकिन उसकी खस्ता हालत इतनी थी कि गाड़ियों का चलना भी मुश्किल था, खड्डे बहुत ज़्यादा थे और इस पर हमने खबर की थी और इस खबर का असर भी हुआ है। आज इस लिंक रोड में नई ब्लैक टॉपिंग की जा रही है, प्रशासन व संबंधित विभाग जागा है और आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू हो गया है। उधमपुर शहर की ये सड़क लाइफलाइन मानी जाती है, लोगों को अगर गढ़ी रैम्बल वाली साइड से आना है तो यही शॉर्टकट शहर की तरफ लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से हमने खबर दिखाई थी कि इस सड़क की क्या हालत थी, लोगों का चलना भी बहुत मुश्किल था, काफ़ी ज़्यादा लोगों में रोष भी था, शहर के बीचों बीच सड़क इतनी ख़राब थी कि गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाती थी, लेकिन संबंधित विभाग PWD विभाग जागा है और आज यहां पर फॉरेस्ट ऑफिस से लेकर जहां तक सड़क ख़राब है उस सड़क को रिपेयर किया जा रहा है, रिपेयर नहीं कहेंगे इसे दोबारा से ब्लैक टॉपिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं उधमपुर शहर वासियों के लिए ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1.5 साल से इस सड़क की हालत काफ़ी ख़राब थी, लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा यहां पर दुर्घटनाएं भी हो गई थी, लेकिन खबर दिखाने के बाद विभाग कहीं ना कहीं जागा और ब्लैक टॉपिंग का कार्य यहां पर आरंभ किया गया है। लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यह राहत की बात है, जिस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यही जो रास्ता है इस रास्ते को ही लोग ज़्यादातर चुनते हैं, शॉर्टकट चुनते हैं और VIP लेन भी इस रास्ते को कहा जाता है। और आज इस सड़क पर दोबारा से कार्य शुरू होने से कहीं ना कहीं लोगों को भी राहत मिली है, ये भी राहत वाली बात है, लेकिन खबर दिखाने के बाद ही विभाग क्यों जागता है ये भी एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि उधमपुर शहर की अगर बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा शहर के बीचों बीच की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा सड़कों की हालत ठीक नहीं है। मैं CEO ऑफिस की एग्जांपल दूंगा, काफ़ी कई सालों से वो रास्ता भी ख़राब पड़ा हुआ, लेकिन प्रशासन व विभाग की उस पर नज़र अभी नहीं पड़ी है, लेकिन खबर दिखाने के बाद जिस तरह से इस लिंक रोड का कार्य शुरू किया गया है वो विभाग को नींद से जगाना काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उधमपुर के ऐसे भी रास्ते हैं जो अभी तक ठीक नहीं हैं, ऊपर से बरसात भी आने वाली है, बरसात में और भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को परेशानी आएंगी, चाहे वो सड़क की हो या बिजली पानी की हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से खबर दिखाने के बाद आज विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है और ब्लैक टॉपिंग का कार्य जो है लिंक रोड पर आरंभ हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं विभाग के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ा, पिछले 1.5 साल से ये रास्ता खराब पड़ा हुआ था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन विभाग ने इस पर संज्ञान लिया है और आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज जो है इस रास्ते का जो ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू हो गया है। हम प्रशासन व संबंधित विभाग से भी आग्रह करते हैं कि उधमपुर के बहुत सारे ऐसे ही जगहें हैं जहां पर अभी भी कार्य करना बाकी है, काफ़ी ज़्यादा सड़कों की हालत ख़राब है, उन सड़कों को भी जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि उधमपुर शहर में सड़कों का जो जाल बिछाया गया है, जिस तरह से लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं वो सुविधाएं भी जो हैं अच्छी तरह से लोग ले पाएँ, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि उधमपुर के बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर सड़कें अभी तंदुरुस्त नहीं हैं और लोगों को गाड़ी चलाना भी वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बीच में ये एक राहत की बात है कि उधमपुर लिंक रोड जो है वार्ड नंबर 17 में जो पड़ता है आज वहाँ पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू हुआ है, लोगों ने कहीं ना कहीं इस पर राहत की सांस ली है।